Hello friends, welcome to Artifier Life and today we are going to make donuts. They are so easy to make and we will start the recipe of it. And friends, if you have not subscribed to our channel, then please subscribe it right now and also hit that bell icon to get all the notifications about our new videos. So let's get started with the recipe. So in a mixing bowl, we have added one big bowl of refined flour, plus that we are adding 1/4 cup of sugar. इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को हम कर लेंगे मिक्स एंड हम यहाँ पे इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 कप ऑफ मिल्क एंड देन 1/2 टेबल स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर एंड 1/4 टेबल स्पून ऑफ बेकिंग सोडा एंड देन वी विल ऐड 1/2 टेबल स्पून ऑफ विनेगर ऑल्सो इन इट एंड वी आर एडिंग विनेगर बिकॉज बेकिंग सोडा नीड्स समथिंग एसिडिक इन्ग्रीडियंट सो ताकि वो इसके साथ रिएक्ट करे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करे एंड जिससे वो अच्छे से एकदम फ्लफी बनेंगे एंड अदरवाइज दे विल टेस्ट सोपी और बिटर एंड इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को हम करेंगे अच्छे से मिक्स एंड फ्रेंड्स डू शेयर आर वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी एंड हम यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर रहे हैं 1/4 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट एंड इसका अच्छे से हम एकदम सॉफ्ट डो नीट कर लेंगे तो ये डो बिल्कुल रेडी है एंड हम यहाँ पे इसको एकदम बॉल की शेप में बना लेंगे एंड इसको हम ग्रीस कर देंगे यहाँ पे बटर के साथ एंड इसको हम कवर करेंगे क्लिंग रैप के साथ एंड हम इसको रेस्ट होने के लिए रखेंगे फॉर 1 आवर जिससे ये थोड़ा बहुत फ्लफी हो जाए एंड आफ्टर 1 आवर ये बिल्कुल एकदम अच्छे से डो सॉफ्ट हो चुका है एंड हम इसको वापस नीट करेंगे फॉर अबाउट 15 seconds to 30 seconds एंड इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 balls के अंदर एंड हम पेस्ट्री बोर्ड पे यहाँ पे डस्ट करेंगे थोड़ा सा फ्लावर एंड हम हमारे डो को अच्छे से करेंगे रोल आउट एकदम थिक शीट में हमको करना है इसको रोल आउट एंड हम यहाँ पे कट करेंगे इसमें डोनट्स की शेप में सो यहाँ पे हमने लिया है एक स्टील का बाउल एंड उससे हम यहाँ पे कट कर लेंगे शेप्स यू कैन टेक कुकी कटर ऑल्सो इसको हम अच्छे से कर लेंगे यहाँ पे कट एंड हम यहाँ पे लेंगे एक प्लास्टिक कैप एंड उससे हम यहाँ पे इसके बीच में होल कर लेंगे एंड इनको डोनट्स की शेप दे देंगे अच्छे से एंड हम इस अनवांटेड पार्ट को कर देंगे रिमूव एंड उसको वापस हम नेक्स्ट डो के अंदर यूज में कर लेंगे एंड ये बिल्कुल अच्छे से डोनट्स की शेप में आ चुके हैं एंड अब हम इनको करेंगे फ्राई सो यहाँ पे हमने एक पैन में लिया है ऑयल एंड सबको हम अच्छे से डाल देंगे इसके अंदर एंड फ्राई होने देंगे तो हम इनको फ्राई करेंगे ऑन मीडियम टू लो फ्लेम एंड ये बिल्कुल पफ हो चुके हैं अच्छे से एंड इसको हम हाई फ्लेम पे कुक नहीं करेंगे अदरवाइज ये आउटसाइड से तो अच्छे से कुक हो जाएंगे एंड फ्रॉम इनसाइड ये थोड़े कच्चे रह जाएंगे इसलिए हमको इसको लो फ्लेम पे कुक करना है एंड इसको हमने कर दिया यहाँ पे फ्लिप एंड इसको हम वापस कुक करेंगे फॉर अबाउट 5 to 6 minutes एंड हम यहाँ पे इसको पैन से निकाल लेंगे एंड ये बिल्कुल हो चुका है रेडी एंड हमने यहाँ पे लिया है वाइट मेल्टेड चॉकलेट एंड डार्क कंपाउंड चॉकलेट तो हम हमारे डोनट को इसके अंदर करेंगे डिप एंड हम वाइट चॉकलेट से इसके ऊपर कुछ भी पैटर्न बना लेंगे सो बेसिकली यहाँ पे विद अ स्पून हम इसके ऊपर वाइट चॉकलेट को कर देंगे अच्छे से ड्रिजल एंड इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे कुछ चॉको चिप्स सो लाइक दिस वी विल मेक पैटर्न्स ऑन ऑल द डोनट्स तो यहाँ पे भी इसको अच्छे से करेंगे इसके अंदर डिप एंड यहाँ पे वाइट चॉकलेट से इसके ऊपर बना इसको कर देंगे अच्छे से ड्रिजल तो ये हो चुके हैं बिल्कुल रेडी एंड इनको हम करेंगे सर्व थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आर्टिफायर लाइफ